इधर कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान भी सामने आया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि आपात स्थिति है और लोगों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रदेशवासी नवरात्र और रमजान का पर्व घर पर ही मनाएं। जीवन रक्षा के लिए 280 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है और आपात व्यवस्था के लिए रेल मंत्री से भी बात की है। सीएम ने यह भी कहा कि हमारी सरकार रेमडेसिविर की भी व्यवस्था दुरुस्त कर रही है। सीएम ने दमोह दौरा रद्द करने के लिए जनता से माफी भी मांगी। जुटे हैं व्यवस्थाएं बनाने में। ऑक्सीजन चुनौती है, मैं इनकार नहीं करता। आधा समय यही ट्रैकिंग करने में जा रहा है कि टैंकर कहां तक पहुंचा। कल 272 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की उपलब्धता थी, आज बढ़ा के हम 280 मीट्रिक टन कर पाए। ऑक्सीजन के टैंकर पर पुलिस बिठाते हैं, समय पर पहुंच जाए, कहीं रोका टोकी ना हो। आज मैंने रेल मंत्री जी को सुझाव दिया है, आग्रह किया है कि संभव अगर हो, मुझे पता नहीं संभव है कि नहीं प्रैक्टिकली, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं है, राउरकेला से भिलाई से क्या पूरा ट्रक मालगाड़ी पे चढ़ाया जा सकता है टैंकर का, जिससे थोड़ा समय बच पाए। क्योंकि एक घंटा भी लेट होती है तो सांसद मेरी थमने लगती है और उपलब्धता बड़े ऑक्सीजन की। आज मेरी फिर बात हुई है, हर स्तर पर मैं चर्चा कर रहा हूं। रेमडेसिविर इंजेक्शन 31,000 हमको प्राप्त हो चुके हैं, जो हमने ऑर्डर दिए थे। 12,000 कल सवेरे तक और आ जाएंगे। और मैंने निर्देश दिए हैं कि हेलीकॉप्टर हवाई जहाज खड़ा, अगर कहीं जल्दी भेजना हो तो हेलीकॉप्टर में रखो और छोड़ के आओ। सरकारी अस्पतालों में अब रेमडेसिविर की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे प्राइवेट की भी चिंता है, वहां भी हमारी लोग हैं। और इसलिए हम कंपनियां ढूंढ रहे हैं, आज पूरी युद्ध स्तर पर बात कर रहे हैं कि कहां कहां मिल सकते हैं। आज दोपहर तक टाई अप मेरा हो जाएगा। हम जितने इंजेक्शन मिलेंगे वहां से उठवाएंगे और प्राइवेट अस्पतालों में भी आज अस्पतालों से बात करके हम कहाँ कितनी जरूरत है कोशिश भरपूर करेंगे।